पूरा विश्वास है कि आप लोगों के द्वारा जलंत विस्थापन मुद्दा को जन जन तक मिल रहा है जाने का प्रयास जरूर करेंगे। तो हम शुरू कर रहे हैं जी। आज के प्रेस सम्मेलन के माध्यम से सरकार को चुनौती भरे शब्दों में चुनौती देना चाहूंगा। जल जंगल जमीन का बात करने वाली हिंदू सरकार, सहयोगी कांग्रेस पार्टी के द्वारा जल जंगल जमीन के नाम पर सत्ता में आने के बाद सरकार तीनों चीजों को भूल चुका है और आज पूरे राज्य में देखने को मिल रहा है कि जल जंगल जमीन के नाम पर सरकार बनाने वाले हेमंत सोरेन, उनके सहयोगी, उनके पार्टी के लोग पूरे झारखंड को लूटने में व्यस्त हैं। सरकार में हिम्मत है, नैतिकता है, लाज हया है, तो जो गांव की बात करने वाली सरकार, सैकड़ों गांव आज बीसीसीएल हो या सीसीसीएल हो, डब्ल्यूसीएल हो या बीएसएल हो, मतलब राज्य में ऐसे कई कंपनी हैं जिनके द्वारा लगातार विस्थापितों के साथ जबरन अन्याय अत्याचार यहां के लोगों के साथ किया जा रहा है, जिसका जीता जागता उदाहरण मैं बता देना चाहूंगा। विस्थापित के लोग जब अपने हक अधिकार मांगने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले तो बीसीसीआई वैसे लोगों पर मुकदमा करती है और गुंडा और माफिया के द्वारा वैसे ग्रामीणों पर लाठी चार्ज करवाने का काम किया है। इसका कई जगह इसका उदाहरण है। इसलिए सरकार की असली चेहरा जनता के सामने मैंने लाने का प्रयास कर रहा हूं कि आज वर्तमान समय में, खास करके धनबाद के बाद में कहूंगा, झारखंड को आप समझ ही सकते हैं कि कोयला बालू लोहा का लूट जिस तरह से मचा हुआ है। मैं धनबाद जिला से मैं आता हूं, बाघमारा विधानसभा क्षेत्र से मैं तीन तीन बार का विधायक रहा हूं। वर्तमान समय में जो स्थिति है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक भी नेता या कांग्रेस के एक नेता का स्टेटमेंट या उनके पक्ष में, विस्थापितों के पक्ष में, ग्रामीणों के पक्ष में, गरीबों के पक्ष में एक भी स्टेटमेंट आप चार वर्षों के दरमियान एक भी स्टेटमेंट दिखा नहीं सकते हैं। इसका कारण सिर्फ और सिर्फ है कि सारे लोग सिर्फ चोरी में लगे हुए हैं, लूट में लगे हुए हैं। लूट के दरमियान हजारों आदिवासी, दलित, गरीब लोगों का जाने जा चुकी है। इस बात से कोई इनकार नहीं किया जा सकता है, आप लोग भी जानते होंगे, हम भी जान रहे हैं और खास करके धनबाद के लोग भी जान रहे हैं। इसलिए मैं खास करके जितने भी धनबाद के जनप्रतिनिधि है, मैं सभी भाई अपने जनप्रतिनिधि साथियों से आग्रह करना चाहेंगे, खास करके जेएमएम और कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों से मेरा आग्रह होगा कि विस्थापन का मुद्दा क्यों नहीं उठा रहे। हमारे मुथुरादा हैं, हमारे प्रभावित हैं, हमारे पार्टी के विधायक हैं, हमारे झरिया के विधायक हैं, सारे लोगों का मेरा आग्रह होगा कि असली और सच्चा हितैषी अगर ग्रामीण और विस्थापितों का है तो इस बात को खास करके सरकार के पास सत्ता पक्ष के जो भी विधायक हैं रखने का काम करें और न्याय दिलाने का काम करें। ये तो आने वाला समय ईंट का जवाब पत्थर से इस क्षेत्र के गरीब, दलित, आदिवासी, विस्थापित लोग जवाब देने के लिए तैयार हो चुके हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाला विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव हो, विस्थापितों का आवाज यहां से लेकर लोकसभा तक जरूर पहुंचाने का हम प्रयास करेंगे।
क्योंकि आज मैं एक विस्थापित भी हूं, इसके चलते मैं विस्थापितों का दर्द भली भांति से समझ सकता हूं कि किस तरह से आज यहां के विस्थापित सैकड़ों गांव दर दर भटक रहे हैं, अपने हक अधिकार से कोसों दूर है, हक अधिकार के लिए मांगने के लिए जाता है, हक अधिकार के लिए बात करने के लिए जाता है, उस पर लाठियां बरसाई जाती है, प्रशासन के द्वारा झूठा मुकदमा करके विस्थापितों को जेल भेजा जा रहा है और प्रशासन लठेट के रूप में वर्तमान समय में धनबाद के कुछ ही ऐसे है प्रशासन के लोग जो समाज के लिए काम करते हैं, वरना 90% प्रशासन के लोग लठेट के रूप में लाठी लेकर खड़ा रहते हैं, विस्थापितों का, रहितों का खतियानी जमीन को कटवाने का काम कर रहा है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के लोग खतियानी का बात करते हैं, जल जंगल जमीन का बात करते हैं, बात करने का अधिकार बनता ही नहीं है। इसलिए हिम्मत है, मेरा चुनौती को स्वीकार करे और मेरा जवाब दे। मैंने लगातार, हमारी सरकार जब थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां पे थी, लगातार मैंने कई विस्थापितों का समस्या का निदान हल करने का प्रयास किया, मगर वर्तमान समय में जो स्थिति देखने को मिल रहा है, कोई विस्थापित बस सिर्फ अधिकार के लिए मांगने के लिए जाता तो झूठा मुकदमा, या तो जेल जाना पड़ता है, या तो जो आउटसोर्सिंग बड़े बड़े माफिया गुंडा के द्वारा चलाया जा रहा है उसे लाठी मारकर किसी का हाथ तोड़ दिया जा रहा है, किसी का पैर तोड़ दिया जा रहा है, किसी का माथा तोड़ दिया जा रहा है, किसी को मार के तो जान ही मार दिया जा रहा है। इस तरह की स्थिति यहां पे हो चुका है। हेमंत सोरेन में हिम्मत है, उसके कार्यकर्ता कहते हैं हेमंत है तो हिम्मत है, हम कह रहे हेमंत में हिम्मत है तो गांव विस्थापित यहां के दलित आदिवासी को न्याय दिलाने का काम करे, क्योंकि समय उसके पास बचा नहीं है और आने वाला समय में कभी वो सोचे भी नहीं कि जिस तरह से झारखंड के लोगों को ठगने का काम किया है कि कभी भी सपना भी देखे। दूसरी बात है, जब जब मैंने गरीब आदिवासी विस्थापितों का गांव के बात को मैंने उठाने का काम किया, तब तब हम पर झूठा मुकदमा करने का काम किया है। कोयला चोरी का मामला उठाने का काम किया, तब तक हम पर झूठा मुकदमा करवाकर जेल भिजवाने का काम किया है। हेमंत सोरेन जी में हिम्मत है तो सच्चा और अच्छा काम तभी होगा जब यहां के विस्थापित आदिवासी गरीब दलितों का न्याय मिले। हमें आशा तो है नहीं, मगर आप लोगों के माध्यम से जनता तक यहां का जो ज्वलंत मुद्दा है, उस मुद्दा को, उस समस्या को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ये सच्चाई है कि आज बहुत ऐसे लोग हैं, ऐसे नेता हैं, ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो डर से, सरकार के डर से बोलने का हिम्मत नहीं जुटा पा रही है, या तो उसको चोरी में संलिप्तता है, इसलिए सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की क्षमता ऐसे लोगों में नहीं है। और मैं सड़क से लेकर सदन तक आपके माध्यम से जन जन तक और राज्य के जनता तक सदन में अपनी बात को रखकर और जोरदार तरीके से सच्चाई हकीकत के साथ रखकर मैंने पूरे झारखंड की जनता तक पहुंचाने का काम किए हैं। आने वाला समय में भी जब तक एक एक समस्या का निदान हम अपने स्तर से जितना हो सके हम करेंगे, तब तक हम इसका आंदोलन करते रहेंगे, लड़ाई लड़ते रहेंगे। और दूसरी बात, हम गांव का नाम लिखा देना चाहेंगे, आप लिख दीजिए जितना गांव प्रभावित है, 100 गांव से अधिक, हम तो कुछ ही गांव का नाम आपको नोट किए हैं। आप लोगों से मेरा आग्रह होगा, निवेदन होगा कि गांव गरीब किसान का बात करने वाले, जल जंगल जमीन का बात करने वाली सरकार का असली चेहरा को हम सामने रखना चाह रहे हैं। इतना गांव का नाम हम आपके सामने अभी एक मतलब उदाहरण के तौर पर, प्रमाण के तौर पर कुछ गांव का नाम हम लोग को देना चाह रहे हैं। आप लोग से मेरा आग्रह होगा कि आप नाम को जरूर नोट करें और झारखंड के जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करें और झारखंड सरकार का असली चेहरा झारखंड के जन जन तक पहुंचाने का आप जरूर काम करेंगे, मुझे विश्वास है। नाम सबसे पहला Area 1 Block 2 से नाम बता रहे हैं। गांव का नाम है जो विस्थापित है, जो गांव के लोग हैं, जिसका जबरन जमीन काट लिया गया, उसको अधिकार नहीं मिला है, अधिकार के मांगने के लिए जाता तो उसको जेल भेजा जाता, उसका नाम आप नोट कर लीजिए। जैसे केसरगढ़ा ये बहुत बड़ा बस्ती है, उसके जितना है सारे गांव का नाम बता रहे हैं। एक केसरगढ़ा, भीम कनाली, बेनीडी, नथखरकी, मंदरा, धीरे 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 भीम कनाली बेनीडी के बाद बोलिए। केसरगढ़ा, भीम कनाली, बेनीडी, नथखरकी, मंदरा,
मेंजरा मेंजरा हाँ मेंजरा मुरैडी डुमरा हरना बरूरा बरमसिया जोगीडी जोगीडी हाँ भागावती बहियारडी बहियारडी हाँ बहियारडी सोनारडी बेहरापुदर आकाश किनारी एक मिनट बेहरापुदर आकाश किनारी तपुरिया कनकनी सेंद्रा कनकनी चतुरमुड़ी बांसजोड़ा चतुरमुड़ी बांसजोड़ा गडेरिया केनुआ बस्ती भटमुरना धर्मबांग मधुबन तेतुलिया अंगरपथरा भुट्टू बाबू बंगला सिजुआ बस्ती चतुरमुड़ी तुली दिए हाँ अलग दिहा उस्मा टाँस लिख दीजिए भैया लिख लीजिए तो बहुत याद हम समझ गए एरिया वन से गोविंदपुर लेके जितना वो लोयाबाद से आकाश किनारी उस्मा टाँस लोधना जीना घोड़ा अच्छा ये इधर आ गया साउथ तीसरा जीना घोड़ा साउथ तीसरा जेल घोड़ा पार बार ब्राह्मण बरी ब्राह्मण बरारी ब्राह्मण बरारी घोरा सुदामडी चासनाला चांदकुआ चासनाला चांदकुआ आमताल बेलवैया गोलमारा धनवाड़ी गोलकडी गोपालीचक सुरंगा कच्ची बलियारी जहाजता चेतुडी लकड़का फुटकी 13 नंबर भागाबांग मुनीडी इतना काम हम उदाहरण के तौर पर दे रहे हैं जबकि इससे भी ज्यादा हमको लगता है हजारों के संख्या में पूरे धनबाद जिला और